तो पूरा डाउट खत्म कर दिया। और पहली बार हम काम चालू किए, हमको लग रहा था थोड़ा कि दिल दग 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 एक दग दग नहीं। वैसे यार प्रेसिंग के बाद आप इसकी फिनिशिंग, इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हो, बढ़िया लगी सारी बेले एकदम से, बहुत बढ़िया माल है उसमें, किसी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेन की दिक्कत नहीं है, किसी में बिल्कुल टैग वाला पीस था ऊपर से, इस पे प्राइस भी डॉलर से लिखे हुए हैं। अच्छा लगा भैया, बहुत अच्छा लगा। और सारे पीस जो है ब्रांड के हैं, ऐसा भी नहीं कि सब लोकल है, सब अच्छे हैं भैया, लोकल तो है ही नहीं जी भैया। ये देखो टैग वाला, ये ब्रांड चेक करके बताऊं कौन से ब्रांड का, ये भाई डुसेलडॉर्फ। बता दिए थे कि हमको आज विजिट नहीं करना है, फिर भी हमको यहाँ विजिट कराया गया, संतुष्ट किए लोग, और इसीलिए हम दोबारा यहाँ आने के लिए एकदम मतलब अपने मनोबल से यहाँ आए दोबारा। हमें ये 6 पॉकेट होती है, इसके अंदर 6 जेब मिलेंगी आपको, ये कॉटन में होती तो भाई ये ज्यादा सिक्योर्ड में। सो है गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो गाइस। तो भाई हमारी एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई यूपी के जौनपुर से आज भाई हमारे साथ भाई जुड़ चुके हैं, इन्होंने भाई 18-20 बेले लिए, उनकी सबकी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे और सारी वरायटी आपको दिखाने वाले। पहले भाई इनसे परिचय करवा देते हैं, आपका क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम दुर्गेश मिश्रा है। दुर्गेश मिश्रा जी यूपी से हैं। हाँ जी, आपका भैया श्याम सिंह भैया। श्याम सिंह, तो भाई अभी सबसे पहली बेल की ओपनिंग इन्हीं से करवाएंगे और मैं साथ के साथ जब तक ये ओपनिंग करते हैं आपको ये बताऊंगा भाई इन्होंने कौन कौन से आइटम की बेल ले लिए। खोलो भैया, ये सबसे पहले खोल रहे अंगूरा बालू लेडीज का, एक इन्होंने लिए फ्लीस पजामे की बेल, अपर लोअर दोनों मिक्स निकलेगा, एक लेडीज विंटर पैंट, मैन स्वेटर, वुलन की प्लाजो, चिल्ड्रन स्वेटर, लेडीज शॉर्ट कोट, कार्गो स्टॉल और बच्चा मिक्स, बंडा उड्डी। तो भाई इन्होंने कम से कम 17-18 बिल ले लिए हैं, सबकी ओपनिंग इस वीडियो में होने वाली है। ये देखो अंगूरा बालू कितना कलरफुल माल है, देखो भैया ये देखो, ये अंगूरा बालू है, ये लेडीज का रहता है, बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा, सॉफ्ट फैब्रिक होता है इसका। श्याम सिंह उठाओ, देखो देखो भैया, ये देखो सारे मिक्स कलर इसमें रहने वाले हैं और बिल्कुल सॉफ्ट फैब्रिक होता है, आयरन के बाद में ये सारा भाई बिल्कुल जितने रिंकल इसमें सारे रिंकल साफ हो जाएंगे, टैग लग जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखो भैया कितना सॉफ्ट है एकदम। हाँ ये भाई इनकी पहली बेल की अनबॉक्सिंग हुई है, ये देखो ये अंगूरा बालू स्वेटर है, एक आपने वुलन का स्वेटर देखा जो बिल्कुल नॉर्मल होता है, इस पे भाई ऐसे ऐसे फर होते हैं जो फर बहुत ही भाई मुलायम होते हैं और बहुत अच्छे लगते पहनने के बाद में, ये होता है लेडीज का अंगूरा बालू, 80 किलो की बेल है ये, इसमें सारे साइज आपके रहने वाले एस एम एल एक्सएल, सारे साइज आपके एक ही बेल के अंदर ये निकलने वाले। ये देखो ये भाई अंगूरा बालू, खोलिए। हाँ सब खोलेंगे, सब खोलेंगे। तब तक आप भैया ये लेडीज की विंटर पेंट की ओपनिंग कर दीजिए, मैं ये दिखाता हूँ। ये देखो भाई ये लेडीज का अंगूरा बालू, टोटली इसके अंदर कलरफुल माल निकलने वाला है और ये जैसा कि आप देख रहे हो बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा रहता है, बिल्कुल प्रीमियम फैब्रिक मिलेगा आपको, सब में भाई अलग कलर मिलेगा, अलग डिजाइन मिलेगा। ये देखो भाई नेक्स्ट बेल अपनी खुल चुकी है लेडीज के विंटर पैंट की, ये देखो ये लेडीज का वुलन पैंट या भाई विंटर पैंट इसको बोल सकते हैं। अभी एक दो पीस पे मैं प्रेसिंग के लिए भेजता हूँ, उसके बाद आप फिनिशिंग चेक करना। अभी प्रेसिंग से पहले आप ध्यान दो इस पीस पे कितने सारे रिंकल है, एक और दे दो इसमें से कोई, ये देखो ये पीस और देखो, और प्रेसिंग के बाद आप चेक करना, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा माल, जल्दी करवा फिलहाल। ये देखो ये लेडीज की विंटर पैंट है, ये बेल भी अपनी 80 किलो की रहेगी, ये देखो इसमें कुछ प्लाजो भी निकलेंगे लेडीज की विंटर पैंट के अंदर आपके, मैं करता हूँ। ये जेब है, ये जेब थी, साइड पॉकेट है ये, साइड पे। हाँ ये देखो ये लेडीज का विंटर पैंट है, अभी प्रेसिंग होके आएगा उसके बाद आप फर्क देखना, आप
खुद पहचान नहीं पाओगे, इतना फर्क आ जाएगा इसमें प्रेसिंग के बाद में। ये टोटली विंटर पेंट रहने वाली है, बहुत चलने वाला आइटम होता है ये। इसके नीचे भाई इसको पहनने के बाद नीचे ना कोई गर्म पजामी पहननी पड़ती ना कुछ और। ये देखो अंगूरा भालू टैग वाला, ये मिस हो गया था। ये देखो ब्रांड मार्का भी, ये देखो भैया ये जैसे मॉल वाला पीस, इसका टैग ही नहीं उतरा। हाँ ये देखो अभी भाई जब तक अगली बेल की अनबॉक्सिंग करते हम दो पीस हमने प्रेसिंग के लिए दिए हैं वो हमारे प्रेसिंग पे से आ जाए। फ्लीस पजामा ये देखो ये कितनी खुल जाती है प्रेसिंग के बाद में। ये देखो आपको दूर से ही कलर दिख रहे होंगे इसके अंदर, दिखाओ भैया। इसमें अपर लोअर दोनों मिक्स मिलेगा, ये नाइट वियर होता है। आपने अगर कंबल देखा होगा ये कंबल के कपड़े का होता है टोटली। ये देखो आपने अगर कंबल का कपड़ा देखा हो तो भाई ये नाइट वियर होता है, बिल्कुल डिजाइनर माल होता है सारा। ये कंबल के कपड़े वाले फैब्रिक में से निकलता है। इसके अंदर आपके भाई अपर भी निकलेंगे और लोअर भी। ये देखो ये नाइट वियर होता है, बिल्कुल सॉफ्ट फैब्रिक, बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा होता है सारा। ये देखो टॉप, ये देखो भैया अभी प्रेसिंग के लिए गया था, प्रेसिंग के बाद चेक करो एक बार। ये देखो श्याम जी एकदम, हाँ आप इसमें दोनों में फर्क देखना, ये शायद सेम सा ही कलर है। हाँ। प्रेसिंग से पहले आप चेक करो, ऊपर करके दिखाओ एक बार। ये प्रेसिंग से पहले आप चेक करो और प्रेसिंग के बाद इसमें ऊपर, हाँ जी इसके ऊपर टैग लग जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा शोरूम के लिए आपका। पहचान में नहीं आ रहा है। हाँ। ये देखो ये फ्लीस पजामा, नेक्स्ट बेल भाई अपनी खुलेगी ना। ना ये फ्लीस पजामा नहीं है, लेडीज विंटर पैंट है ये। फ्लीस ना 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 अलग अलग आता, अभी तक जेंट्स का तो कुछ खुला ही नहीं है। ये देखो भाई लेडीज की विंटर की प्लाजो की देख, देख लो। ये देखो भाई देख लो भैया, ये देखो भाई लेडीज की विंटर की प्लाजो है ये। ये भी 80 किलो की बेल निकलेगी और भाई असली फर्क पता चलेगा सारे माल का प्रेसिंग के बाद में, क्योंकि भाई ये दूसरे देश से बंद आता है इस पैकिंग में, तो ये भाई पीस बंद होने के कारण दब जाता है, तो प्रेसिंग के बाद ही हवा लगने के कारण ये पीस और खुलता है। ये देखो ये लेडीज विंटर, एक बार इस प्लाजो को देखो लेडीज विंटर की, देखो भैया अभी इसको प्रेसिंग के लिए भेजेंगे उसके बाद आप फर्क चेक करना। ये देखो लेडीज की विंटर की प्लाजो, प्लाजो होते भाई नीचे से पूरा माल आपको खुला हुआ मिलेगा, ये नीचे से जो पोचे होते भाई इसके अंदर खुले मिलेंगे ज्यादातर। ये देखो और जो पैंट होती भाई उसमें बंद मिलेंगे। ये देखो प्लाजो में हमेशा नीचे से खुला हुआ मिलता है, इसको प्लाजो बोलते हैं। ये समर में भी आती है लेकिन भाई अभी विंटर का सीजन आ जाएगा तो सारा प्लाजो भाई नीचे से खुला हुआ मिलेगा आपको और यही चलेगा। ये देखो साइज सारे रहेंगे आपकी एक ही बेल के अंदर, छोटा बड़ा सारा साइज निकलेगा। तो भाई जब तक प्रेस होके आती हम नेक्स्ट बेल खोलते। अपनी खोलो भैया बच्चे का स्वेटर, ये बच्चे का स्वेटर निकलने वाला चिल्ड्रन का। ये देखो ये भाई एक दो पीस ऊपर से खराब हो जाता है पल्ली पटने के कारण। हाँ। का कलर छोड़ा ये तो, ये देखो बिल्कुल टैग वाला पीस था ऊपर से, इस पे प्राइस भी डॉलर से लिखे हुए हैं। हाँ टैग इस पे भी। हाँ ये देखो, ये देखो भाई ये भाई बिल्कुल कलरफुल माल निकलेगा, ये बच्चों का स्वेटर। ये देखो बिल्कुल बच्चों के टाइप के भाई इस पे डिजाइन दिए गए हैं, बिल्कुल फैंसी।
ये देखो, ये बच्चे का स्वेटर रहने वाला है। इसमें से भाई ऊपर दो चार पीस खराब हो जाते, जैसे ऊपर से ये पल्ले फट जाते ना, तो दो चार पीस धूल मिट्टी लगने के कारण खराब हो जाते हैं, नहीं तो आपको सारा माल। हाँ जी, ये देखो, और प्रेसिंग के बाद ये भाई बिल्कुल तैयार हो जाएगा माल आपका। काटे वाला है ये देखो, ये बच्चे का स्वेटर, इसमें गर्ल्स का भी निकलेगा, बॉयज का भी निकलेगा इसके अंदर। नेक्स्ट बेल भाई अपनी रहेगी मेंस के स्वेटर की। ये जितने भी भाई अभी तक, ये देखो विंटर का प्लाजो प्रेसिंग के बाद में, और एक प्रेसिंग से पहले देखिए, ये देखो, हाँ दिखा दो, ये देखो प्रेसिंग से पहले और प्रेसिंग के बाद में। जो आपने आज तक भाई कहीं भी जयपुर में, दिल्ली में या कहीं भी जो भी पीस देखे होंगे पर पीस के, वो सारा यही माल होता है जो एक्सपोर्ट सरप्लस का होता है, जो आप अभी देख रहे हो वो। इसमें से भाई 5-10% रिजेक्शन निकाल के बढ़िया टैगिंग करके, प्रेसिंग करके इस माल को सेल करते हैं। ऐसे ही भाई आप भी सेल कर सकते हो। ये देखो मेंस का स्वेटर, ये भाई 1 किलो में 2.5-3 पीस चढ़ेंगे आपके मेंस के स्वेटर के। ये देखो, तो भाई अगली बेल ले खुलेंगे हमारी कोरिया की, खोलना उसको, लेडीज का शॉर्ट कोट। ये देखो भाई HD कंपनी में लेडीज का शॉर्ट कोट, एक तार इसमें शॉर्ट कोट और लेडीज के शॉर्ट ब्लेजर आपके दोनों मिक्स निकलने वाले हैं। ये देखो शॉर्ट कोट और शॉर्ट ब्लेजर, ये देखो, ये देखो, ये ऊपर भाई सूट के ऊपर डालने वाला, ये क्रॉप टाइप में, ये देखो सारा टोटल इसके अंदर आपका फैंसी माल निकलेगा शॉर्ट कोट में। ये देखो, ये देखो, ये प्रेसिंग के बाद सारा, ये देखो भाई फर वाला शॉर्ट कोट, ये देखो एक और फर वाला। जल्दी अपनी मार्केट दिखता ही नहीं है। हाँ, इसकी फैब्रिक सबसे बढ़िया मिलेगा आपको, ये देखो, ये शॉर्ट कोट की बेल थी अपनी, ये भी भाई आपकी 80 किलो की रहेगी। इसमें एक लॉन्ग कोट की बेल भी आती है, उसमें टोटली आपका माल लॉन्ग निकलेगा। ये देखो, हाँ लाइट माउंटेन दिखाना, ये देखो लाइट माउंटेन कोरिया का भाई HD कंपनी में, इसके अंदर आपका मेंस का पजामा निकलेगा, टोटली मेंस का पजामा निकलेगा समर का। ये देखो, इसमें पैंट टाइप का आपका पजामा निकलता है, सबसे ज्यादा चलने वाला आइटम होता है ये, समर विंटर दोनों में चलता है आपका। हाँ ये देखो, बिल्कुल फ्रेश आर्टिकल निकलेंगे इसमें, किसी की चैन चेक कर लो, किसी का बटन चेक कर लो, प्रेसिंग के बाद बिल्कुल फ्रेश आइटम हो जाएगा। ये देखो टैग वाला, ये ब्रांड चेक करके बताऊं कौन से ब्रांड का, ये भाई डुसेलडॉर्फ, देखो ये भाई 880 युआन का, ये देखो माउंटेन लाइट,
ये देखो साइज इसमें सारे निकलेंगे भाई आपके 28, 30, 32, 34, 36। ये देखो एक और माउंटेन पजामा में, आपको बंद कर एक बार इस पे मैं प्रेसिंग करवाता हूँ। ये देखो माउंटेन पजामा, अभी प्रेसिंग से पहले देखो चैन किसी की भी खराब नहीं मिलेगी, बिल्कुल फ्रेश आर्टिकल मिलेगा। ये देखो ये माउंटेन पजामा, ये देखो ब्रांड का भैया, ये देखो इसमें बहुत सारे ब्रांड भी निकलेंगे आपके, ब्रांड ही है सर। हाँ ये देखो भाई 2-4 पीस खराब निकल सकते हैं इसके अंदर, बाकी सारा माल आपका बिल्कुल अच्छा निकलेगा। और भाई जिप से इसकी क्वालिटी का पता चल जाता है कि भाई क्या क्वालिटी है। देखो मैंने जितने भी जिप बंद करी है सारी बिल्कुल एकदम से बंद होगी। इसके अंदर आएंगे भाई आपके लाइट माउंटेन के अंदर 3 पीस के लगभग तो आएंगे, ये किलो में 3.5-4 पीस भी आ सकते हैं। ये देखो बिल्कुल हल्का पजामा होता है ये समर का, ये देखो कलर आपको टोटली मिक्स मिलेंगे। आपको पता भाई मेंस गुलाबी हरे पीले ऐसे तो बहुत कम लोअर डालते हैं, नीले ब्लैक नेवी ग्रीन ऐसे कलर ज्यादा, ये देखो स्लेटी ऐसे कलर डालते ज्यादातर। ये देखो और ऐसे ही कलर आपको मिलेंगे जो ज्यादा चलने वाले। ये देखो माउंटेन लोअर समर का, ये देखो पीछे से इसकी चैन एकदम से भाई। नेक्स्ट बेल हम खोलेंगे, खोलना भैया सोल की, इसमें सोल और आपके स्टॉल दोनों मिक्स निकलेंगे। ये भी भाई HD मैं कोरिया की बेल रहने वाली है आपकी। ये देखो ये देखो पकड़ो, ये देखो पूरी लेंथ मिलेगी आपको। ये पीस होगा भाई 100 ग्राम से नीचे का ही पीस होगा। देखो भैया एक बार वजन करके, पता ही नहीं चल रहा है, बहुत हल्का माल में सब मिक्स मिलेगा इसमें। ये देखो सोल और स्टॉल मिक्स मिलेगा, ये आपको एक पीस पड़ेगा किलो के हिसाब से बहुत सस्ता। ये देखो सारे बढ़िया बड़े बड़े साइज मिलेंगे आपको। ये देखो लेडीज का स्टॉल सारे फुल लेंथ के मिलेंगे आपको। ये देखो नहीं तो भाई मफलर वाले छोटे छोटे साइज आते दिखा दो। ये देखो माउंटेन लोअर, अभी भाई ये भी प्रेसिंग पे से है, प्रेसिंग के बाद आप इसकी फिनिशिंग इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हो। ये देखो और प्रेसिंग से पहले आप देखो बिल्कुल इसके अंदर रिंकल्स मिलेंगे। आप देखो कितना सही लग रहा है ये, और इसमें देखो बिल्कुल ये भाई पूरे कंटेनर में 4-5 कंटेनरों में से एक बेल आती मुश्किल से, बहुत रेयरली आता ये चांस है कि भाई माउंटेन लोअर लाइट है। ये देखो ये देखो ये ऐसा आइटम है भाई आपके 12 महीने चलेगा, सर्दी में भी गर्मी में भी बरसात में भी। ये वो स्कार्फ, ये देखो एक और ये टैग वाला, ये वो क्या क्या चीज है? अच्छा अच्छा ये वो मुंह पे पहनने वाला गले में, अच्छा ना वो नहीं मिलेगा ये। ये देखो इस पे भी मैं प्रेसिंग के लिए भेजता हूँ, उसके बाद देखना आप प्रेसिंग के बाद और खुल जाएगा ये डबल लेयर में।
ले करवा दे एक बार। तो भाई नेक्स्ट बेल खोल लेंगे हम अपनी कार्गो पेंट की, 6 पॉकेट कार्गो रहेगी टोटली, HD कोरिया में। कौन सा? अच्छा ये देखो, ये 6 पॉकेट होती है, इसके अंदर 6 जेब मिलेंगी आपको। ये कॉटन में होती है तो भाई ये ज्यादा सिकुड़न महसूस करती है। ये देखो, 1 जेब, 2 जेब, 3 जेब, 4 जेब, ये पीछे देखो 5 जेब, 6 जेब। ये भी प्रेसिंग के बाद सबसे अच्छी यही लगेगी क्योंकि ये कॉटन अभी सिकड़ा हुआ, जितना ये भाई अभी बदला लग रहा है उतना ही सुंदर लगेगा ये प्रेसिंग के बाद में। ये देखो, हर पीस आपको 6 पॉकेट कार्गो का मिलेगा भाई, सबसे ज्यादा चलने वाला आइटम है और सबसे कम मिलने वाला आइटम है ये। ये भी भाई 4-5 कंटेनर में एक बार ही आता है। साइज आपको पूरे मिक्स मिलने वाले, ये नहीं है भाई सारे बड़े साइज मिलेंगे या भाई सारे छोटे साइज मिलेंगे, साइज टोटली आपको मिक्स मिलेंगे इसके अंदर, छोटे से लेके बड़ा। ये देखो, ये भी टैग वाला पीस था, टैग हट गया, ये अभी इसमें लगा हुआ। ये देखो, नेक्स्ट बेल खोल लेंगे भाई हम अपनी, ये खोल दो बंडा। ये भाई हाफ जैकेट होती है बंडे की, ये भी भाई अपनी कोरिया में HD कंपनी में। ये होता बंडा जैकेट, जैसे पार्का जैकेट होती है वैसे भाई हाफ बंडा होता है। ये देखो हाफ जैकेट, ये कल भाई मैंने एक बेल और खोल ली थी आपको, मैंने पीस प्रेस करके डाल के भी दिखाए थे आपको। तो भाई मेरे को देख के लग रहा होगा आपको, ये देखो ज्यादा बड़े पीस नहीं है ये, लेकिन भाई मेरी हाइट भी ज्यादा है तो ये एवरेज आदमी के लिए बिल्कुल साइज का माल आएगा ये। इसको भेज देना प्रेसिंग पे। ये देखो सोल, ये देखो, ये सोने वाली का चलेगा। ये भाई पार्का में आपको हाफ जैकेट का बंडा मिलने वाला है। ये देखो भाई जैकेट, आपको पता है जैकेट चलती ज्यादातर भाई नवंबर के आखिरी में, दिसंबर या जनवरी के आधे में, लेकिन भाई आप बंडा आपका नवंबर शुरू से लेके भाई जनवरी के आखिरी तक चलता है। ये देखो, और पार्का जैकेट में हमेशा भाई प्रेसिंग के बाद फुलावट आती है क्योंकि ये पीस 3-3, 4-4 महीने ऐसे दबे होते हैं बेल के अंदर। ये देखो, और कोरिया की आप कोई भी भाई ए ग्रेड की बेल लोगे उसके अंदर चैन की कभी आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। ये देखो, ये प्रेसिंग होते ही बिल्कुल सीधा उमाड़ हो जाएगा। ये देखो, प्रेसिंग के बाद ये खुलता भी है। ये देखो, ये देखो प्रेसिंग के बाद और खुल जाएगा ये। कटर कहाँ है? ये देखो भाई, अभी तक बच्चे का हमने भाई एक ही आइटम खोला, बच्चे का स्वेटर। आप खोलेंगे भाई बच्चे का मिक्स आइटम, इसमें बच्चे के मिक्स आइटम में आपको मिलेगी बच्चे की जीन्स, बच्चे की जैकेट, बच्चे के फ्रॉक, बच्चे की स्वेटशर्ट, बच्चे की हुडी, सारे आइटम आपको एक ही बेल के अंदर मिलने वाले हैं। इसमें कपड़ा सारा मिक्स रहेगा। ये देखो बच्चे के वेलवेट का कोट। तो भाई सबसे ज्यादा
आइटम भी अगर आपको भाई पता नहीं हो या पता भी होगा, बच्चे का आइटम सबसे ज्यादा चलता है, क्योंकि बच्चे को भाई सभी कपड़े दिलाते, मामा मौसी बुआ पापा मम्मी चाचा, और बच्चे भाई जल्दी से जल्दी कपड़े गंदे भी कर देते हैं, तो सबसे ज्यादा कपड़े बच्चों के ही चलते हैं, और बच्चों के कपड़े आते भी सस्ते हैं। ये देखो ये देखो बच्चे का, इसका बड़े का बंडा प्रेसिंग होके आ गया, ये आपके साइज का आप देखो डाल के। ये देखो बंडा जैकेट, ये ऐसे खुला भी रहता, आप इसको बंद भी कर सकते हो। हाँ चैन लगा के देखो, ये देखो घूमो एक बार, ये भाई बंडा जैकेट है, ये प्रेसिंग के बाद का फर्क है सारा। ये देखो बिल्कुल का कौन सा था बंडा प्रेसिंग से पहले, देखो कितनी सलवटें दिखाना है इसकी, ये देखो, और प्रेसिंग के बाद आप देखो अभी ये गिला गिला है ना थोड़ा सा, ये प्रेसिंग के भाई इसमें बहुत ज्यादा स्टीम प्रेस होती है, भाप होती है, उसके कारण ये गिला हो जाता है, अभी सूखने के कारण बाद और ज्यादा फूल जाएगा ये। ये देखो इसमें बच्चे के जीन्स सब आइटम आपको मिक्स मिलने वाला बच्चे का। तो भाई जल्दी जल्दी दो तीन बेल और हैं, ये और खोलते लॉन्ग कोट LOC, ये भी टोटली फोल्डेड आपको कोट मिलने वाला है, ये भाई रेनबो कोट होता है, इसमें टोटली कलरफुल कोट मिलेगा, ये देखो फोल्डेड मिलेगा और टोटली कलरफुल, ये देखो सारा माल आपको बिल्कुल फोल्डेड मिलेगा, ये देखो तय लगा हुआ, ये ओवर कोट होता है, ये देखो हर एक पीस का भाई आपको अलग कलर मिलने वाला है, और ये इसकी सबसे खास बात होती है, ये देखो हर एक पीस आपको फोल्डेड मिलेगा, हर एक पीस का अलग डिजाइन मिलेगा आपको। ये देखो ये भाई बालू वाला फर कोट, ये देखो सारे इसमें कैंडी कलर मिलेंगे आपको, ये देखो ये भाई लेडीज का ओवर कोट होता है, ये किसी का वो होगा कमर का कोट का, ये देखो ये इस पे भी है, ये पीछे से बांधने का होता है, ये देखो लेडीज का ओवर कोट, भाई प्रेशर के कारण कई पीसों के इसके बटन टूट जाते हैं, ये देखो लेडीज ओवर कोट बिल्कुल फोल्डेड टोटली कलरफुल। भाई अगली बेल खोल लेंगे हम उड्डी की, ये जितनी भी भाई हमने बेले खोल ली सारी अलग अलग वैरायटी की थी, ये देखो MTM हुडी, ये देखो ये देखो टोटली कलरफुल माल मिलेगा हुडी में, ये देखो अमन कहाँ गया ले प्रेस करो, ये देखो भाई इसमें टोटली आपकी उड्डी निकलेंगी, और इस प्रिंट से आप आइडिया लगा सकते हो माई माल कैसा, अगर भाई आप 3-4 बार किसी पीस को यूज करोगे तो भाई ये चिपकेगा वो हो जाता है रफ, हाँ, लेकिन आप इसमें देख सकते हो कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सारा बिल्कुल साफ, ये देखो बिल्कुल फ्रेश, जब तक उड्डी भाई प्रेस होके आती है हम खोलते अगली बेल शर्ट की,
ये भाई वुलन शर्ट होती है, ये देखो इसमें भाई प्रॉपर बटन लग के और अच्छे से टैग लग के पूरा तैयार हो जाएगा ये माल। ये भी इसमें भी भाई ज्यादातर कॉटन का होता है, इसलिए इसमें भी सिकुड़न ज्यादा होती है। ये देखो ये भी शर्ट की बेल है और प्रेसिंग होते ही भाई खुल जाएगा ये सारा माल। इसमें भी आपको मिक्स साइज मिलेंगे सारे। ये देखो ये शर्ट पूरा खुल जाएगा ये प्रेसिंग के बाद में। ये आएंगे 1 किलो में आपके 4 पीस के आसपास आएंगे। ये देखो ये भाई वुलन शर्ट। भाई 2 बेल रहेगी, जल्दी जल्दी उनकी भी ओपनिंग करते हैं। एक भाई स्वेट शर्ट की और एक अपने लेडीज जैकेट की। ये देखो स्वेट शर्ट, ये इसमें जिपर निकल गया भाई। स्वेट शर्ट होती भाई गोल गले की आपकी और उड्डी होती भाई जिसमें ऊपर कैप होती है। ये देखो इसको स्वेट टी शर्ट भी बोलते हैं। ये देखो प्रेस होते बिल्कुल सीधा माल हो जाएगा ये। ये देखो बिल्कुल शाइनिंग आ जाएगी प्रेसिंग के बाद में इसमें। ये देखो ये भाई कार्टून का, ये स्वेट शर्ट है कार्टून नेटवर्क की। ये देखो ये उड्डी आ गया हमारी प्रेस हो गए। ये देखो प्रेसिंग होने के बाद में ये देखो बिल्कुल ये थोड़ी थोड़ी गिल्ली है अभी बाप के कारण, ये सूख जाएगी थोड़ी देर में। नेक्स्ट बेल खोल लेंगे भाई अपनी लेडीज की जैकेट और विंचिटर की। ये देखो टोटली इसके अंदर भाई फोल्डेड माल निकलेगा आपका रस्सी से बंधा हुआ। ये एक पीस भाई कम से कम 4-5 बार चेक होता है, पूरी बेल ऐसी मिलेगी आपको। ये देखो बिल्कुल साफ सुथरा। ये देखो अलग अलग डिजाइनर आपको। ये देखो लड़कियां भाई ऐसी जैकेट पहन के बहुत खुश होती हैं। ये देखो अलग अलग डिजाइन की मिलेंगी सारी और ये आपकी 1 किलो में 2 पीस चढ़ेंगे कम से कम लेडीज के जैकेट के, क्योंकि बहुत तड़का माल है ये भाई। जैकेट एक बारी पैक होने से पहले कम से कम 4-5 बार चेक करके ये फिर आता है फोल्डेड करके। ये देखो ये लेडीज का जैकेट, सारी बेल के अंदर ही भाई ऐसी आपकी जैकेट रहने वाली है। ये देखो पूरी बेल के अंदर। एक आधी भाई जैकेट की चैन की कुंडी दब भी जाती है, वो पेचकस से सीधी हो जाती है। ये देखो तो भाई सारी बिलों की ओपनिंग हो चुकी है, 17-18 बिल्ले आपके सामने खुल चुकी है। आपने भाई वीडियो भी देख ली होगी पूरी। अब भैया से पूछते हैं भाई कैसा माल निकला इसके अंदर, भैया कैसी क्वालिटी लगी आपको? क्वालिटी से एकदम संतुष्ट है भाई। इन्होंने 17-18 बिल्ले लिए सारी अलग अलग वैरायटी की, काफी सारे भाई बिल्लों के अंदर इनके पीस बिल्कुल टैग वाले भी निकले हैं। और प्रेसिंग के बाद कितना फर्क आ जाता है पीस के अंदर? फर्क तो पूरा डाउट खत्म कर दिया। और पहली बार हम काम चालू किए, हमको लग रहा था थोड़ा कि दिल
दग दग नहीं है। तो भाई सबकी मेहनत के पैसे होते हैं, किसी के पेड़ पे नहीं लगते या किसी को खजाना नहीं मिलता, इनके भी मेहनत के पैसे हैं। तो भाई एक एक पैसा आदमी जो अपनी मेहनत से कमाता तो भाई उसको लगाने के लिए भाई बहुत डरता है, और जो नया काम स्टार्ट करता भाई उसके लिए तो और दुविधा हो जाती, क्योंकि भाई मेरे ये माल चलेगा या नहीं चलेगा, मैं इसको बेच पाऊंगा नहीं बेच पाऊंगा, लेडीज से स्टार्ट करूं मैन से या बच्चे से। तो भाई बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, और फिर भाई अपना दिल स्ट्रोंग करके और फिर इतनी सारी बेले खुलवाना बहुत बड़ी बात है। तो भैया संतुष्ट हो आप? बिल्कुल संतुष्ट है। तो आप कब निकले थे घर से? घर से तो हम परसों से निकले हैं, हमारा विजिट था, हम नवरात्र के पहले एक बार आए थे आपके यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम बता दिए थे कि हमको आज विजिट नहीं करना है, फिर भी हमको यहाँ विजिट कराया गया, संतुष्ट किए लोग, और इसीलिए हम दोबारा यहाँ आने के लिए एकदम मतलब अपने मनोबल से यहाँ आए दोबारा हम यहाँ पे। हाँ जी। तो भाई हमारे साथ श्याम भाई भी जुड़े हुए, तो आपको कैसा लगा भैया? अच्छा लगा भैया, बहुत अच्छा लगा, और सारे फ्रिज जो है ब्रांड के हैं, ऐसा भी नहीं कि सब लोकल है, सब अच्छे हैं भैया, लोकल तो है ही नहीं जी भैया। तो भाई प्रेसिंग के बाद और सुंदर हो जाएगा, भैया ने अभी भाई वीडियो में मेरे साथ ही थे, उन्होंने भी देखा, प्रेसिंग के बाद और शाइनिंग आ जाएगी। और जैसा कि भैया ने बताया भाई दो बार विजिट कर चुके हैं भैया हमारे पास, तो आप क्या सजेशन दोगे, ऑनलाइन माल मंगवाएं या यहाँ के लेके जाएं? नहीं, एक बार आपने अपना डाउट क्लियर कर लिया, जो फर्स्ट टाइम आना चाहता है वो आकर ले या ऑनलाइन मंगवाए? अब देखिए जिस हिसाब से हम सर्टिफाइड हैं, हम तो बोल सकते हैं आए या ना आए, लेकिन भाई हम लेकिन हम यही बोलेंगे भाई एक बार जरूर आए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जो भाई फोन पे से कैमरा चाहे भाई कितनी ज्यादा बड़ा ले लो, कुछ भी दिखा लो, कैमरे में से वो बातें नहीं पता चलती जो आप अपने हाथ से टच करके या भाई जो आप अपनी आंखों से देख लोगे। तो भाई फर्स्ट टाइम आप विजिट करें, आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है, वो आपके पैसे हैं भाई, आपका टाइम, आप मार लो या ना लो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। नहीं। तो एक और भाई आए हुए हैं हमारे पंजाब से, कैसे हो भैया? बढ़िया भैया, भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपक है। तो भैया आपने अभी बेले खुली 17-18 सारी वैरायटी आपके सामने खुली, कैसा लगा आपको माल? बहुत बढ़िया लगी सारी बेले, एकदम से बहुत बढ़िया माल है, उसमें किसी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेन की दिक्कत नहीं है, किसी में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो? मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। अच्छा, पानीपत भी फर्स्ट टाइम ही आए? फर्स्ट टाइम आए। अच्छा, तो वीडियो कब से देख रहे हो हमारे? वीडियो हमको तकरीबन लगा लो एक महीना हो गया वीडियो आपकी देखते हुए। तो भाई वीडियो आप देख रहे हो भाई 10 दिन से, 1 साल से, 2 साल से, 1 महीने से, 2 महीने से, लेकिन भाई आपकी मेहनत के पैसे, फिर से यही बात कहूंगा आप कि भाई एक बार जरूर आओ, विजिट करो, सारा सिस्टम देखो, अगर आपको समझ में आता है तो भाई करो, इस काम को नहीं समझ में आता तो भाई अपना टाइम अपने पैसे कुछ भी वेस्ट मत करो, 1-2 दिन की बात है, यहाँ आके समय बिता के जाओ, और भी 4-5 जगह घूमो जहाँ आपको संतुष्टि मिले, माल अच्छा मिले, रेट अच्छा मिले, वहां से आप माल परचेज कर सकते हो। तो भाई अभी करते वीडियो को एंड, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, इस वीडियो को शेयर कर देना। नमस्ते, जय हिंद।